अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। तो आज मैं अपडेट देने लगा हूँ अपने बलून मूली के सेटअप का, या आप ये कह लें कि बलून मूली के पाउंड की जो है वो अपडेट देने लगा हूँ मैं आज के। क्या प्रोग्रेस चल रही है? वैसे तो प्रोग्रेस इतनी कोई ख़ास नहीं है और इसके अंदर तकरीबन हमें कुछ नहीं तो तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं इसके अंदर हमने जो है वो बलून ऐड करी हुई हैं। ये सिंपल बलून है, एक मून टेल बलून होती है जिसका सेटअप हमारे पास वहाँ पर वो ऊपर वाले पोर्शन में लगा हुआ है, इसके भी आगे वाले में, वो आखिरी वाले में लगा हुआ है, तो वो भी आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। अभी मैंने बोला कि इसके ऊपर थोड़े से जो है वो इसके अंदर क्या अपडेट चल रही है सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी जाएँ। और सबसे मेन चीज़ ये कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ग्रीन है, जिसको मैं अमूमन कहता हूँ वीडियोज़ में, आपने सुना होगा लश ग्रीन, तो लश ग्रीन पानी है इसका। और ये प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो ये अमेज़न लगे हुए हैं, नीचे 3 प्लांट लगे हुए हैं, ये 1, 2, 3, ये सिंगल एक स्टैंप लगाई गई थी और अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बूशी और बेहतरीन तैयार हो रहे हैं ये। इसके अलावा इसके अंदर मनी प्लांट गिरी हुई है, थोड़ी बहुत डकवीड है, मगर डकवीड बिल्कुल वो एक न्यू डकवीड, इसको बिल्कुल छोटे साइज़ की वो डकवीड है ये। एक ये वाली डकवीड होती है, देखें इस वाले पाउंड में ना, ये बड़े बड़े पत्तों की डकवीड होती है, ये छोटे पत्तों की डकवीड है। बाकी अभी मैंने दाना डाला तो ये ऊपर आई हैं, खाना वाना खा रही हैं, तो मैंने बोला आज थोड़ा सा इनको ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ समझने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आज बैठ के खाली इनको ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई बेबी आया मुझे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, खाना खा रही हैं सही से या नहीं खानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फीड अच्छे से उठा रही हैं, ना सिर्फ फीड, ये जो डकवीड है इसके अंदर डली हुई, इसकी भी जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं, उनको भी खा रही हैं, इंजॉय भी कर रही हैं, घूम फिर भी रही हैं, स्विम भी अच्छा है। बिकॉज़ जब हम पानी इस तरह हार्ड वाटर बनाते हैं, इसको हार्ड वाटर भी कहा जाता है ये हमारी लैंग्वेज के अंदर, मतलब जो इसके जो पानी को समझने वाले लोग हैं और मछलियों को समझने वाले लोग हैं वो समझते हैं, तो हार्ड वाटर के अंदर हमें स्मेल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि इसको इसका पीएच लेवल वगैरह चेक करने के लिए या बाकी चीज़ें चेक करने के लिए आपको मशीनरी की ज़रूरत होती है, आलात की ज़रूरत होती है, जिनको हम मीटर भी कहते हैं। तो अगर वो हमारे पास नहीं है तो सबसे मेन चीज़ जो है आपने जो नोटिस रखनी है इसके अंदर, भले डेली बेसिस पे रखें या एक दिन छोड़ के चेक करें, इसके अंदर स्मेल पैदा नहीं होनी चाहिए। पानी को जब इस तरह हाथ में लिया जाए और हाथ में लेके सूंघा जाए तो उसके अंदर स्मेल नहीं होनी चाहिए, बदबू नहीं होनी चाहिए पानी ख़राब होने की। हालाँकि एक चीज़ मैं और बता दूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर से पानी के अंदर स्मेल आ भी गई है तो मछलियाँ मरेंगी नहीं, मगर ज़्यादा टाइम तक चलेंगी भी नहीं। तो इसलिए बेहतर यह है कि अगर स्मेल आ जाती है तो आप फौरन ही उसमें से 75% पानी निकाल लेंगे, 75% पानी उसके अंदर रीइंस्टॉल कर देंगे, मतलब 75% पानी आपने इसमें से ज़ाया करके थोड़ा सा पानी रोक लेना, 25% और दोबारा इसके अंदर उतना ही पानी ऐड कर देना जितना पानी आप निकालते, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसके अंदर जो जगह छोड़ी हुई है ऊपर लकड़ी लगी हुई है, बाकी नीचे पैनल फैला, तो तकरीबन 2 इंच का स्पेस अभी भी बाकी है जिसमें हम जो है वो अभी भी पानी जो है वो बढ़ा सकते हैं, मगर ये हमने इसलिए छोड़ा हुआ होता है कि पानी मूव भी करता है, बाज़ दफ़ा हम मछलियाँ निकाल ले होते हैं तो भी मूवमेंट होती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी कम ही रखते हैं, फिर बढ़ा भी सकते हैं। जैसे डीपनेस की बात करी जाए इस पाउंड की, तो सबसे पहले तो इसको ओवरऑल यहाँ से देख लें कि कितना इसका साइज़ है। ये यूँ में जो है वो तकरीबन 2 फीट है पूरा और यूँ में तकरीबन 3.5 फीट होगा, तो इतना बड़ा इसका साइज़ है। और अगर इसकी डीप की बात करें तो सिर्फ 6 इंच है, टोटल 6 इंच इसकी डीप है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मछलियाँ सर्वाइव करें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि लाइव बैरियर जो मछलियाँ होती हैं, लाइव बैरियर मछलियों के अंदर जिस तरह गप्पी है, प्लेटी है, सॉटेल है, मूनटेल है और बलून्स की तमाम फैमिली जितनी भी आती हैं, और मूलीज़ की, मतलब बलून की बोल दिया मैंने, मूली की तमाम फैमिलीज़ जो आती हैं सब इसके अंदर इंक्लूड हैं, तो इनको ज़्यादा डीप वाटर नहीं चाहिए होता है। इनके लिए एक अच्छा एटमोसफेयर जो है वो 1 फिट के पानी में भी बहुत अच्छा आएगा, जिस तरह के हमारे ये टैंक बने हुए ना, ये फिट वाले हैं, ये चारों पोर्शन हमारे फिट वाले हैं, ये हमारा 6 इंच है, वो हमारा 6 इंच है और उसके आगे जो है वो तकरीबन 8-8 इंच वाले हैं, वो बिल्कुल आखिर में वो 8-8 इंच वाले हैं। तो मगर अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इनका हिसाब किताब जो है वो हमारे पास चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये कि अभी तक प्रोग्रेस नहीं है, अभी तक बच्चे नहीं नज़र आ रहे, कोई एक भी बेबी आगे पीछे नहीं नज़र आया जो मैं आपके साथ शेयर करूं, मगर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द होगा, क्योंकि अभी 3 दिन गुजरे हैं, ये एडजस्ट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर से क्योंकि ये है ही बलून मूली, तो इसमें पता नहीं चलता कि अभी मतलब कौन सी जो मूली है वो अब जो है वो ब्रीड करने जा रही है, इतनी सही से अंदाज़ा हमें नहीं हो पाता। कुछ पीस इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक है वो टेढ़े मेढ़े पड़े हुए, ये कुछ इसमें मैंने छोड़े हुए थे पहले से ही, तो इसलिए कि मच्छर का जो लार्वा होता है, मॉस्किटो लार्वा, वो पैदा ना हो, क्योंकि पानी के अंदर जो है वो पानी अगर आप खाली छोड़ेंगे तो उसके अंदर फिर ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, तो इसलिए एक आध मछली डालनी लाजमी है, पानी को बिल्कुल जो है वो ना छोड़ें, कुछ ना कुछ उसमें डाल के रखें। अब ये है कि प्रोग्रेस इंशाल्लाह आगे आएगी, पानी बहुत अच्छा हमारा बना हुआ है, ग्रीनिश वाटर है, ग्रीनिश वाटर जो है बहुत कामयाब वाटर होता है, इसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है ग्रीनिश वाटर की, और साथ ही साथ हेल्थ के साथ साथ सबसे मज़े की बात ये होती है कि
कि बच्चे जब इसके अंदर पैदा होंगे तो इंशाल्लाह उनको सेफ पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हद निगाह होती है ना वो कम हो जाती है। पानी के अंदर जो मछली जिस तरह देख रही है, चल रही है, घूम रही है, फिर रही है, तो इसके अंदर ग्रीन वाटर में या डार्क वाटर में या ये कह लें हार्ड पानी के अंदर मछली उस तरह से नहीं देख पाती दूर तक, और ना ही उस तरह से जो है वो मतलब शिकार करने की कोशिश या कुछ। और वैसे तो अमूमन बड़ी मछली जो होती है वो छोटी मछली को खा लेती है, मगर इसके अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा है कि जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा पीरियड डले हुए हैं ना इसके अंदर, तो ज़्यादा पीरियड डले हुए होते हैं, तो जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं वो अमूमन जो है वो मछलियों को खा लेते हैं, दूसरी मछलियों को। मतलब अपने बच्चों को तो कोई नहीं खाता, मगर दूसरे जो होते हैं पेरेंट्स वो उनको खा लेते हैं। बाकी ये जानवर है, हैवान है, तो हैवान जो है वो कुछ भी कर सकता है, तो वो अपने बच्चों को भी खा सकता है। अल्लाह पाक जो है वो अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं और उनमें से अल्लाह ताला ने बनाया हमें। तो बाकी ये है कि बहुत मज़े का सेटअप है, मेरे फ्रेंड हैं नज़ीर भाई हैदराबाद से होते हैं, मेरे फ्रेंड क्या बल्कि मेरे भाई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये भेजी थी और उनके पास से ये आई हैं, और अब मैंने इसके अंदर डाला, तो इंशाल्लाह इसकी हमने ब्रीड लेनी है, और भरपूर ब्रीड लेने के बाद फिर हम ये जो इसके अंदर बड़े बड़े पेयर्स हैं इनको निकाल लेंगे, बेबीज़ को इसमें छोड़ देंगे। जैसे कि हमारे पास एक अंदाज़े के तहत बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास 50 बच्चे आ जाते हैं या हमारे पास 100 बच्चे आ जाते हैं अल्लाह करे, तो उन बच्चों को हमने इधर छोड़ देना, 50-100 बच्चे वो इसके अंदर पलते रहेंगे, और इसके अंदर से जो बड़ा माल है जितना भी, ये हम सारा इसमें से क्लोज करके अलग पाउंड में हम डाल देंगे। हमारे पास वैसे तो एम्प्टी पाउंड अवेलेबल होते हैं, हम जो है वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये वाला एम्प्टी चल रहा है तो इसमें हम डाल सकते हैं, वो दोनों ही एम्प्टी हैं उसमें हम डाल सकते हैं, इस तरह के पॉट ले सकते हैं उसके अंदर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, इस तरह से हमारा सिस्टम जो है वो चल सकता है। मगर अगर हमें नीड पड़ेगी तो हम बना भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बना भी लेंगे हम फ़ौरन। ये गप्पी है, गप्पी पर इंशाल्लाह आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बना के देंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, अलग अलग सेपरेट बनाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा आपको, आपको देखने में समझ में भी आएंगी चीज़ें सारी। और सर मैं मामला बेच देंगे, ये शॉर्ट टेल है, इसकी भी अपडेट देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, कोशिश करेंगे इस पर बनाते हैं, शॉर्ट टेल की आपको अपडेट देते हैं। ये देखें, ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये डकवीट जो है वो ये थोड़े बड़े साइज़ में डकवीट, अभी मैंने रिसेंटली इस पर वीडियो बनाई भी, इस पर थोड़ा सा मैंने निकाल दिया, जब मैंने अपडेट दी थी पूरे सिस्टम की अपडेट दी थी, पूरे अपने गार्डन की अपडेट दी थी, तो जब मैंने ये जो है आपको दिखाई भी थी, और ये थोड़ी सी न्यू डकवीट है, और अभी थोड़ी सी जो है वो सेट भी नहीं हुई हुई, क्योंकि मैंने शिफ्ट करी है, बाल्टी में थी मेरे पास, अपने बाल्टी में सेट जो है वो यहाँ पर शिफ्ट करी है। बाय द वे मामला अल्लाह का शुक्र अच्छे चल रहे हैं हमारे पास, और मछलियों की जो टून है, अब जो रनिंग है, जिस तरह मूवमेंट कर रही हैं, ये सब चीज़ें देख के समझ में आता है कि अब मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, कंफर्ट फील कर रही हैं, और अब जो है इंशाल्लाह हमारे पास आगे ब्रीड आ जाएगी। तो मैंने नोटिस करा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम एक न्यू मछली लेते हैं स्पेशली पाउंड में जिसकी साइटों पर ग्लास ना हो, तो जब हम उसमें मछली डालते हैं तो मछलियाँ एक साथ मिल के एक झुंड की शक्ल में पूरे में घूमती हैं, जैसे कि यहाँ हमने फेंकी हैं तो सारी यूँ घूमते हुए इधर 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 सब जगह वो घूमती हैं, और ये देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं कि यहाँ कोई ख़तरा तो नहीं है, और जब उनको ऐसा एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर उसके बाद वो रिलैक्स हो जाती हैं और रिलैक्स मूवमेंट शुरू कर देती हैं, मगर इसमें एक आध दिन दो दिन लग जाते हैं। और फिर क्योंकि ये तो मेरे पास सारा जाल लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, सब जगह बंद है, अदरवाइज़ तो आपको पता है कि बगले भी आ सकते हैं, कौवे भी आ सकते हैं, चील भी आ सकती है, बिल्ली भी आ सकती है, जिनको प्रोटेक करें, क्योंकि यहाँ पर एक आध दिन दो दिन रहते हैं तो इनको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ अटैक नहीं करेगी, ये इधर महफूज हैं। इसके बरअक्स अगर आप इसको डालते हैं एक्वेरियम में, क्योंकि उनको सामने ही इंसान दिख रहे होते हैं और फिर उनको हदूद का भी नहीं अंदाज़ा होता शीशे की वजह से, तो वो फिर डिस्टर्ब होती हैं और थोड़ा साइड में जाती हैं, फिर वो वहाँ पर भी आपसे घुल मिल जाती हैं, और मगर उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और हाँ, ब्रीड की जहाँ तक बात है तो ब्रीड उस लेवल की नहीं आ सकती टैंक के अंदर जिस लेवल की ब्रीड इस तरह के पाउंड्स में आती है, या इस तरह के छोटे मोटे जो हम पक्के बनाते हैं सीमेंटेड, ये तो सीमेंटेड नहीं है, सीमेंटेड बनाते हैं, तो उसमें जो जिस लेवल की हमारे पास प्रोडक्शन आ सकती है या हम काम कर सकते हैं जिस लेवल के ऊपर, वो उस लेवल पर ना मछलियाँ खुश रह सकती हैं एक्वेरियम के अंदर, ना हम वो काम कर सकते हैं। करने वाले कर भी रहे हैं, मगर वो ज़्यादातर फिर वो हैचिंग वगैरह पे, मतलब ईगलेयर जो मछलियाँ हैं उन पे कर रहे हैं, ये जो है ना ज़रा इसको इस तरह रखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो या तो फिर आप अगर टैंक रखें तो उसको फिर इस लेवल का मतलब नेचुरल लुक पे ले जाएं तो भी बहुत बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ जो इसके अंदर ज़रा कामयाब भी ज़्यादा हैं, और इसको इसका लुक ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल की तरफ लेके जा रही है, और अभी मैं मज़ीद इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि मैं इस तरह सेटिंग लेके चलूँ इसकी पूरी की, कि बिल्कुल ही नेचुरल माहौल, एक नेचुरल लुक के साथ, जिसके अंदर एलगी वगैरह लगना और मज़ीद जो चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं, कोई ऐसे प्लांट्स जो पानी में भी लग जाते हैं और पानी के अलावा गीली मिट्टी कीचड़ में भी लगते हैं, जो पाउंड से रिलेटेड, जिसको हम
ये कह लें कि टेटेरियम्स टाइप के प्लांट जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें मज़ीद ला ला के और अच्छे से जो है वो एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि यहाँ नहीं वो उस वाले कोने पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ उसको सेट करने की। ये वाला रेक मैं यहाँ से हटा दूँगा और यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि सेटल करूँ यूँ करके, इस तरह करके यहाँ पर सेटिंग बनाऊँ पूरी उसकी, और एक रियल रिवर टाइप पानी जो है वो मतलब समर हो या समर हो के पानी ऊपर जाए, ऊपर से फिर बह के नीचे आए और उस पूरे ऐश पोशन के अंदर जो मतलब जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमारे को एक सेटिंग में पूरी एक अच्छे से चीज़ें जो है वो मिल जाएँ। इस तरीके से करने की पूरी कोशिश करें, अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करने वाला है। हम अगर हिम्मत करेंगे तो अल्लाह पाक लाजमी मदद करते हैं हमारी और करेंगे अल्लाह पाक, हम जो है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह दोबारा से प्रोड्यूस करेंगे और जो चीज़ सोची हुई हमने वो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे। तो ये हमारा जो है वो टोटल अपडेट थी जो मैंने आपको थोड़ी सी आगे की भी बता दी कि क्या होने वाला है और इसके बारे में भी बता दिया ये कहाँ से आई हैं और किस तरह क्रिएट करी हैं और पानी की क्या क्वालिटी है और स्मेल वगैरह जो चेक करनी है वो। तो माशाल्लाह से ये सबसे बेहतर पानी अभी ये है हमारे पास। अगर से बेनिफिट करते हैं ब्लैक वाटर भी, ये देखें जो लीफ से बनता है, आलमंड लीफ से अक्सर लोग बनाते हैं ब्लैक वाटर, आलमंड लीफ से बनता है ये ब्लैक वाटर। अच्छा, जो उठाने के बाद ऐसे करके बिल्कुल ही सफ़ेद होगा वो वाला भी सफ़ेद होगा, ये देखें ये भी ब्लैक वाटर है, ये भी सफ़ेद ही होगा। तो इस तरह से होता है, बाकी ये बिल्कुल क्रिस्टल है, ये बिल्कुल क्रिस्टल है। इस तरह जो है हमारे पानी की कंडीशन है। पानी अगर पानी अच्छा होगा, पानी साफ़ होगा, पानी सही होगा, अगर आपने पानी को समझ लिया तो आपकी मछलियाँ कभी भी इट विल नेवर डाई, तो ये नहीं मरेंगी, पानी की वजह से नहीं मरेंगी, बीमारी की वजह से इंशाल्लाह नहीं मरेंगी। बाकी वैसे तो हर जानदार जो इस दुनिया में आता है उसने जाना ही है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।